हे व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? तो पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, एंड देन यू नो आई डिस्क्राइब यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड वेयर अल्कोहल कुड बी यू नो प्रोड्यूस्ड. नाउ दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनॉल. फिनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड. यू नो पीपल हार्डली यूज दिस नेम, बट इट्स ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. एंड पहले इसको बनाया जाता था कोल तार से. कोल तार क्या है, यू नो एक यू नो एक रेसिडुअल मटेरियल है जब आप कोयले को एयर के एब्सेंस में गर्म करते हो. तो खैर हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे. तो मैं बात कर रहा हूँ मेनली यू नो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में, कि फिनॉल कैसे बनता है, व्हाट आर द मेथड्स यू हैव टू स्टडी इन केस यू फॉलो योर सिलेबस. दिस इज द वेरी नेक्स्ट टॉपिक वेयर आई लेफ्ट यू नो माई लिस्ट लास्ट टॉपिक, राइट? सो दिस इज वॉट द टॉपिक इज. Let's start this one and get through. There's going to be some 4-5 topic here, and all these 5 topics going to be discussing about preparation of phenol. Once this is over, next you know lecture is going to be for properties of alcohol, phenol and ether. But right now this is about preparation of the phenol. So first one is from benzene. How benzene can be converted into फिनॉल, दिस इज वॉट द टॉप. इज जस्ट गोइंग टू बी रिएक्शन है. तो इस रिएक्शन में क्या है वो देखते हैं. ये है बेंजीन, ठीक है. ये क्या है, बेंजीन है. 1, 2, 3. आपको बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना है सल्फोनिक, सॉरी बेंजीन को रिएक्ट करवाना है ओलियम के साथ, H2S2O7. तो अगर आपको पुराने कन्वर्जन, पुराने रिएक्शन याद हो, तो इससे बनता है यू नो ओलियम, उससे बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो अगर आपको याद हो तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज, विच इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है. अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करना है, आपको रिएक्ट करना है वाटर के साथ. तो जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो सल्फोनिक आयन है वो सल्फोनिक आयन हाइड्रोक्साइड आयन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन इसकी जगह ले लेगा, और तब ये बन जाएगा क्या, तब ये बन जाएगा फिनॉल. तो ये पहला तरीका है. इसमें आप एक और चीज जो कर सकते हो वो ये है कि आप वाटर में यूज करके आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हो. अगर आप चाहते हो वाटर की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी यू नो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. इफ यू रिमेंबर व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ओलियम. तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड. हेलो बेंजी फ्रॉम हेलो एरिन. तो हेलोरीन में क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग क्लोरीन. सो दिस इज योर क्लोरीन, सो क्लोरोबेंजीन. अब क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. किसके साथ रिएक्ट करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए 625 एटीएम एंड अराउंड 300 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. तो करना क्या है कि जब ये हेलो बेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक यहां पर बाई प्रोडक्ट पहले क्रिएट होगा HCl, क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बाकी ये OC के साथ जुड़ जाएगा. तो दूसरा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड. लेट मी राइट दिस, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड. अब सोडियम फिनॉक्साइड को, सोडियम फिनॉक्साइड जैसा ऑलरेडी यहां पर क्या है कि HCl मौजूद है. HCl क्या है, मौजूद है. तो यही HCl अब आयंस में कन्वर्ट होता है. और जैसे आप जानते हो कि सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम क्या है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इनके बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, और इनके बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, दे फॉर्म NaCl टुगेदर. और जो दूसरी चीज बनती है, जो दूसरी चीज यहां पे बनती है, अब समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, फिनॉल, ठीक है. ये बन गया आपका फिनॉल.
तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन। अब इसमें डिफिकल्ट पार्ट क्या है, इसमें डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए भी है कि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये पर्सनली मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो लेकिन ये एटलीस्ट यू हैव टू यू नो हैव योर पेपर, सो यू नीड टू रिमेम्बर कि अंडर व्हाट कंडीशन, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अंडर यू नो अंडर विच द कन्वर्जन हैज टू बी कैरिड आउट, तो ये आपको याद करना है। बाकी मैकेनिज्म में बहुत सिंप्लिसिटी है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यू नो कैसे ये एक दूसरे के साथ यू नो रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा दूसरा मेथड जिसमें हमने हैलोरिन लिया। रिमेम्बर हम क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं, और फ्लोरीन तो नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन आपको याद होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सो द रिएक्शन माइट बी वेरी वायलेंट। इवन आयोडीन को लेने में प्रॉब्लम है क्योंकि आयोडीन बहुत ही सुस्त होता है, तो रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मोस्टली जो है क्लोरीन और ब्रोमीन को लेकर के रिएक्शन किया। सो जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन टू फिनॉल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम इसके साथ साथ प्रिपरेशन की भी बात कर रहे हैं। सो एनिलीन का स्ट्रक्चर हम सबको याद है कैसा होता है, अ बेंजीन मॉलिक्यूल विद NH2, ऑल्सो कॉल्ड एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन। अब इसको क्या करना है, यू नो एमिनो बेंजीन को पहले हम इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर, एक टॉपिक किया था यू नो अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूं। इसको आपको क्या करना है, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ इसको रिएक्ट करना है, ठीक है। और इसी रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि यहां पे जो एमाइन ग्रुप है वो डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइन ग्रुप डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डाइजोनियम ग्रुप ये होता है, पहली बार ध्यान रखना, डाइजोनियम ग्रुप ये होता है। शॉर्ट में हम भले ही उसको जैसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैं अभी ध्यान नहीं रख रहा, यहां पर भी लोन पेयर होगा, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ये हो गया। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना है, यू नो इसको रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, इसको हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, या हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं NaOH के साथ। तो जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो लेट्स टेक इट, सपोज हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो OH ग्रुप है पहली बात तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक तो पहली पहला प्रोडक्ट NaCl, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा N2, क्योंकि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनकर के बाहर आ जाता है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनकर बाहर आ जाता है, और जो तीसरा प्रोडक्ट होता है वो है आपका फिनॉल। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, फिनॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से यू नो एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन का प्रोसेस आप याद रखो कैसे किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट द यू नो बिगर पार्ट इज फॉर यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे आर स्ट्रगलिंग विद द यू नो लर्निंग द रिएक्शन, बिकॉज आई मस्ट टेल यू यू नो द प्रॉब्लम इज नॉट यू नो दैट यू आर नॉट गेटिंग इट, द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट इन टू दिस, रिक्वायर 50% ऑफ लर्निंग एंड 50% ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट। सो लर्निंग यू हैव टू हैव आइडिया अंडर वॉट रिएजेंट यू नो सब्सटेंस कन्वर्ट्स इन टू अनदर प्रोडक्ट, सो दिस इज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसे याद रखो आप कि ये कब किस कंडीशन में, जैसे आपको कुछ सपोज आप कुछ भी बनाते हो तो आपको पहले उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता है, अगर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं याद है ठीक है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आई टेल यू वॉट, मैं आई पर्सनली से आई एम अ रियल रियल यू नो समवन हू फॉरगेट वेरी इजली। मैं कई बार ये यू नो व्हाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो आई ऑफन फॉरगेट, यू नो मैं क्या होता है कि माइक लगा लिया एंड सब कुछ प्रिपेयर हो गया, देन आई रियलाइज कि मैं तो मार्कर लाने भूल गया, सो देन एवरीथिंग यू नो सब कुछ शुरू से करना होता है, फिर मुझे मार्कर ढूंढना है, फिर लेके आना है, देन एवरीथिंग स्टार्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हाउ द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉम क्यूमीन, सॉरी आई एम मेकिंग द स्पेलिंग एरर, क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है, क्यूमीन है दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है आइसोप्रोपाइल ये बेंजीन है। अब आपको क्या करना है, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है लेट मी राइट दिस नेम योर आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को यू नो आपको रिएक्ट करवाना है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है आपको रिएक्ट करवाना है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो लेट मी राइट दिस
सो यहाँ पे क्या होगा, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और जैसे आप जानते हो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये जो आपको पता होगा कि ये जो कार्बन है वो टर्शियरी है, ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी है, तो टर्शियरी है इसलिए मोस्ट स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो मैं इसको यहां भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चलो ऊपर ही लिखते हैं, कार्बन यू नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन देयर इज हाइड्रोजन एंड यू हैड योर कार्बन ऑलरेडी। तो अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड को क्या करना है, इस पे ध्यान देना है, इसको हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे। तो HCl से जब रिएक्ट करवाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा, ये ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो फिनॉल पे लग जाएगा, ठीक है, और यहां से ये जो चीज जो आपके पास यहां पर है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाकर के एक OH बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा आपका यू नो ये वाला, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो, कीटोन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन। मैं समझा रहा हूं, जस्ट वेट, दिस इज व्हाट योर प्रोपेनॉन इज, क्योंकि ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉन, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो, और साथ में आपको मिला फिनॉल, आपको मिला फिनॉल। अब क्वेश्चन उठता है कि इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है वो हाइड्रोजन आयन यहां पे जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन आपको उस बेंजीन पे लग करके ये चीज बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड प्रोपेनॉन एंड फाइनली यू हैव योर फिनॉल। One very important thing about this reaction that you do know that this is also known as acetone. इसको और क्या बोलते हैं हम? This is called acetone. Acetone से याद आ गया होगा कि हम perfume की बात कर रहे हैं, perfume की बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी large amount में produce होता है इस reaction में, large amount of यू नो बाई प्रोडक्ट जो कि यूजफुल भी है हमारे लिए। इस तरीके से यू नो क्यूमीन से फिनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो मेनली इन चार तरीकों से फिनॉल के प्रिपरेशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसे होता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।